नमस्कार, आप सभी का मेरी अपनी रसोई में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाय का मसाला। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसकी सभी सामग्री जो है वो हमारे घर में ही मिल जाएगी, हमारे किचन में ही। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, धन्यवाद। तो आइए बनाते हैं चाय का मसाला। चाय का मसाला बनाने के लिए 2 चम्मच डालते हैं हम काले मिर्च, 2 चम्मच लौंग, 3 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच तुलसी के पत्ते और ये 6 से 7 टुकड़े हैं दालचीनी के, तुलसी के बीज और 2 चम्मच डालते हैं हम इलायची, हरी इलायची है, आप बड़ी वाली इलायची भी डाल सकते हैं और ये सूखी अदरक यानी कि सौंठ, ये तकरीबन 6 से 7 टुकड़े हैं। अब हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने अपने चाय के मसाले हैं जो वो 2 मिनट के लिए भून लिए, इनमें हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है। अब गैस को करते हैं बंद और इसको ठंडा होने देते हैं, फिर मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे हम इसको। ये देखिए हमारे मसाले जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, मिक्सी जार में डाल के इनको अब हम पीस लेते हैं। ये देखिए चाय का मसाला जो है मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसको एक मोटी छलनी से छान लेते हैं। चाय का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे ये चाय का मसाला कैसा लगा। धन्यवाद।